दोस्तों इस समय हम अपने प्रयागराज के परेड ग्राउंड मैदान में खड़ा हूं और दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको हम ले चलूंगा परेड ग्राउंड मैदान के मेला क्षेत्र में, दिखाऊंगा कि यहां पे क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि परेड ग्राउंड मैदान की तरफ दिखाइए कि सर्कस वगैरह आ गए हैं लगे हैं नहीं, तो आज के वीडियो में दोस्तों सब कुछ दिखाऊँगा, सर्कस भी दिखाऊँगा, सर्कस लोग वाले आ गए हैं नहीं आए हैं और यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स की क्या व्यवस्था है मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड मैदान में, सब कुछ दिखाऊंगा। संत लोग आए हैं नहीं आए हैं इधर परेड ग्राउंड मैदान की तरफ, क्या कहाँ कहाँ टेंट लगा है, तो आज की वीडियो में केवल हम परेड ग्राउंड मैदान को ही कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हुए पूरा परेड ग्राउंड मैदान की तरफ का दिखाते हैं क्या अपडेट है। तो आइए फिर देर ना करते हुए चलते हैं और आप सबको यहाँ परेड ग्राउंड मैदान का मेला का अपडेट दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यही हमारे प्रयागराज का परेड ग्राउंड मैदान है और ये रोड सीधे अगर आप पकड़ के जाएंगे आगे चौराहा है, वहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो संगम चले जाएंगे और राइट जाएंगे तो मिंटो पार्क वगैरह चले जाएंगे। तो दोस्तों यही रोड के किनारे किनारे देखिए यहाँ पर भी तैयारी हो रहा है, साफ सफाई चल रहा है, इधर आगे सामने देखिए आप लोग देखिए साफ सफाई यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे शौचालय भी बना दिए गए हैं, ये देखिए ग्रीन कलर में सब दिख रहा है आप लोगों के लिए, शौचालय भी बन के तैयार हो गया है और सामने भी उधर शौचालय बन के तैयार हो गया है और इधर देखिए यहाँ पे संत लोग भी आ गए हैं, देखिए अंदर संत लोग भी आ गए हैं अंदर। और ये भी मार्ग अगर पकड़ चले जाएँगे तो आप चले जाएँगे वही मिंटो पार्क वगैरह, नैनी कीटगंज उटगंज सब चले जाएँगे इस तरफ से, इधर भी टेंट वगैरह लगे हुए हैं सब। और ये सीधे जाएंगे तो प्रयागराज के चुंगी चले जाएंगे, देखिए बोर्ड में लगा हुआ है सिविल लाइन 3.5 किलोमीटर, नया ब्रिज 1 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन रामबाग 2.5 किलोमीटर। देखिए यहाँ से राइट जाएंगे तो इधर से भी आप जा सकते हैं, बाकी ये परेड ग्राउंड मैदान का क्षेत्र है, ये देखिए पूरा खाली ही खाली जगह दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी आगे टेंट वेंट लगाए गए हैं, उधर सामने देखिए शायद आपको दिखेगा, हम जूम करता हूं, देखिए इधर भी टेंट वेंट लगाए गए हैं और देखिए पानी की भी व्यवस्था है यहां पे भरपूर और कुछ दुकानदार लोग इधर आ गए हैं और उधर भी सामने जूम करूंगा, देखिए शौचालय ही शौचालय बन गए हैं, देखिए इधर भी बन गए हैं शौचालय, काफ़ी व्यवस्था है। तो दोस्तों आइए फिर चलते हैं और देखते हैं सर्कस वगैरह आ गए हैं कि नहीं, क्या तैयारी है। दोस्तों हम लोग चल चुके हैं और चलेंगे आप सबको परेड ग्राउंड मैदान का हम दिखाएंगे यहाँ पर क्या अपडेट है। देखिए इधर लेफ्ट साइड में इधर शौचालय बन गए हैं, देखिए इधर लेफ्ट साइड में काफ़ी शौचालय बन गए हैं, बहुत ही अधिक संख्या में बना दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग देखिए और साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है, यहाँ पर धूल थोड़ा सा उड़ रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में शौचालय बने हैं सब और दुकानदार भी लोग आना प्रारंभ कर दिए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों ये देख सकते हैं, ये देखिए ये इधर लेफ्ट साइड में पंडाल उंडाल लगना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। और हम लोग यहीं से लेफ्ट मुड़ेंगे, देखिए इधर बाएं साइड में देखिए सब टेंट वेंट लग गए हैं, इधर लगना प्रारंभ हो गया है और दुकानदार लोग इधर आना प्रारंभ कर दिए हैं देखिए, और इधर संत लोग भी जा रहे हैं जो कि स्नान वगैरह करेंगे, अपना दर्शन वर्शन करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में सब टेंट लगना प्रारंभ हो गया है और दुकानदार लोग भी आ गए हैं, आ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों सब इलेक्ट्रिक पोल गाड़ दिए गए हैं और लाइट भी खींचा जा चुका है, सब दुकानदार लोग इधर आ गए हैं, देखिए सब लग रहा है, सब पंडाल उंडाल लग रहा है सब इस तरफ, देखिए शौचालय भी चलाने वाला भी शौचालय भी इधर आ गया है व्हीकल से, और देखिए सब दुकानदार लोग आ रहे हैं इस तरफ, देखिए टेंट लग रहा है धीरे धीरे देखिए, और अभी और आगे चलते चलते देखिए वहाँ पर दुकानदार काफ़ी दुकानदार लोग आ गए हैं। और देखिए इधर राइट साइड में देखिए दोस्तों इधर भी
व्यवस्था हो गया है। यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगती है इधर राइट साइड में। बाकी ये दुकानें जो है, ये दुकान पुरानी दुकान है, ये तो हमेशा रहती है। ये बाई साइड में जो लड्डू लिखा हुआ है 166 रुपये, तो हमेशा रहती है। और देखिए इधर, ये सब तो हमेशा के दुकानदार हैं, ये सब परमानेंट वाले हैं। और आपको ले चलेंगे हम, दिखाएंगे। देखिए इधर बाएं साइड में शौचालय टैंक आ गए हैं, रख दिए गए हैं। और इधर तो परमानेंट वाले दुकानदार हैं कुछ। देखिए दोस्तों इधर सब दुकानें आ गई हैं। और देखिए इधर सीधे देखिए, और चलेंगे हम लोग सर्कस की तरफ। देखिए सर्कस आ गया है, देख सकते हैं ये सर्कस आ गया। धीरे धीरे तैयारी किया जा रहा है। और इधर देखिए, सामने देखिए झूला वाला है। और इधर भी और सर्कस आ गए हैं, देखिए सब अपना सामान आज उतार रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। देखिए और ट्रेन वाला, टॉय ट्रेन वाला सर्कस भी आ गया, ये सब रखा गया है। इधर देखिए सामान उतारा जा रहा है इस तरफ, देखिए सब धीरे धीरे तैयारी किया जा रहा है आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। और राइट साइड में देखिए सब तैयारी चल रही है यहाँ पे सर्कस लगाने की, देख सकते हैं आप लोग। और इधर जो इलेक्ट्रिक वाला सबसे बड़ा सर्कस होता है, ये सब रखा गया है, देखिए ये देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है, और रात का नज़ारा है और ही बेहतरीन होता है यहाँ का। और दो चार दिन और लगेंगे तो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक वाला ये सर्कस है, ये ऊपर तक जाता है, काफ़ी हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा है ये, देख सकते हैं सब तैयारी किया जा रहा है। और इधर भी देखिए ये पिंक कलर में, इधर भी शौचालय बना दिया गया है लोगों के लिए। और ये देखिए इधर भी टेंट वेंट लगना प्रारंभ हो गया है इस तरफ, देखिए ये सब। देख सकते हैं दोस्तों इधर। और दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे आज समाप्त करेंगे। आज के वीडियो में परेड ग्राउंड मैदान का कवर किए हैं और सर्कस का कवर किए हैं। और मिलते हैं फिर किसी नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।